उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात करती है, वहीं जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त करा रही है। लेकिन मैनपुरी के जसवंतपुर गांव में अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। यहां तालाब और ग्राम सभा की लगभग 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल और उसके बेटा जो कि रोजगार सेवक है, उसने ग्राम प्रधान से मिलकर ग्रामीणों को गुमराह किया और जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि ग्रामीणों को कई तरह की धमकियां दी जा रही है। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जब कब्जा किया था उनके लेखपाल साहब से बात भी हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें प्रधान के सहयोग से इसमें पंचायत घर और बरात घर बनवाएंगे जी। तो हमने कि इससे जो तुम जो काम करा रहे हो इसमें भराव करा दिया, तालाब बंद करा दिए, बाउंड्री करा रहे हो, इसमें पानी रुक जाएगा, गाँव का पानी कहाँ जाएगा जी। के उसकी भी व्यवस्था हम करा देंगे और फिर वो व्यवस्था न होकर इसमें भूसे की भुर्जी लगा ली, साइकिल स्कूल की खड़ी हो रही थी और भरत डलाना शुरू कर दिया जी। और इसके बाद में स्कूल की साइकिलें खड़ी होने लगी। कितने समय से कब्जा चल रहा है ताल पे? ये करीब हो गए 1 साल पे जाड़े के समय।